इस चैनल के वीडियोस देखने वालों में 82% ऐसे बंदे हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे 82 वालों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपको बार बार सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट डालकर सर्च करना ना पड़े। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास टेंथ में आपने लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में था उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा था। इलेवेंथ क्लास का जो चैप्टर 6 है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 6.3 में आपको इन इक्वेशंस देगा, इनइक्वलिटीज देगा और उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है दो वेरिएबल में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो होती है। जैसे ही इसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो लाइन कैसे भी आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे 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 कैसे भी आ सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई ये इस पूरे ग्राफ को 2D डायमेंशनल को XY प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो इस लाइन से इधर वाला पार्ट और एक लाइन इस लाइन से इधर वाला पार्ट। ये जो दो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स में आपको जो लाइन मिल रही है ये जो लाइन है ये लाइन इन पार्ट्स में शामिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। वो कब शामिल होगी कब नहीं होगी, तो अगर AX प्लस BY लेस इक्वल सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल सी फोर में आपको इनइक्वलिटी मिले तो उस केस में ये जो लाइन है इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों इनइक्वलिटीज मैंने लिखी तो ये दोनों आप जो इनइक्वलिटीज है इनसे जो भी पार्ट्स आएंगे उन पार्ट्स को बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन्स। ओके, क्लोज्ड हाफ प्लेन और ओपन हाफ प्लेन होता है। क्लोज्ड हाफ प्लेन का मतलब, क्लोज्ड का मतलब जैसे इंटरवल में आपने सीखा था कि उसमें वो पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, यानी ये जो लाइन है इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे वो भी इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। ओके, और अगर आपको इनइक्वलिटी इस फॉर्म में मिलती है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, इस फॉर्म में अगर मिलती है तो उन पार्ट्स को बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन्स। ओके, अब बात करते हैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का जो वर्किंग रूल है वो क्या है। तो वर्किंग रूल में आपको क्या करना होगा, जो भी आपको इन इक्वेशंस दे रखे हैं, जो भी इनइक्वालिटीज दे रखी है जैसे कि इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करना है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, ये जो लेस या ग्रेटर का साइन है इसको हटाकर इक्वल करना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको दो वेरिएबल में और वहां से आपको एक टेबल क्रिएट करनी है एक्स वाई वेरिएबल में दो पॉइंट्स लेकर। जैसे टेंथ क्लास में आपने सीखी थी एक्स वाई के साथ ये दो पॉइंट या तीन पॉइंट लिए था आपने और उससे आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो भी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद आपको एरिया बताना होगा कि किस रीजन में आ रहा है, ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लाइन है या तो इससे ऊपर की तरफ या इससे नीचे की तरफ कोई भी एक पॉइंट लेना है, या तो इस एरिया में या इस एरिया में। जनरली एनसीईआरटी में ओरिजिन पॉइंट ले रखा है। ठीक है, तो आपको भी मैं यही बताऊंगा, ओरिजिन पॉइंट आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या 0 0 है ना, तो 0 0 जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें पुट करोगे। ओके, कौन से वाले में, इस वाले में, इस फॉर्म में होगी तो इसमें पुट करोगे, इस फॉर्म में होगी तो इसमें पुट करोगे। ओके, और फिर चेक करोगे कि वो 0 0 जो ओरिजिन आपने इसमें या इसमें पुट किया, क्या वो इसको या इसको जिसमें भी पुट कर रहे हो उसको सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओरिजिन से दूर होगा एरिया। ओके, अब ये जरूरी ओरिजिन ही ले, एनसीईआरटी में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ले रखे इसलिए मैंने बताया, लेकिन अगर आप इस एरिया में कोई भी एक पॉइंट लेते हो इसके अलावा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1.2 पुट करते हो, जो आपको इनइक्वेशन दे रखा है, इनइक्वालिटी दे रखा है उसमें, तो भी गलत नहीं है। ओके, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इस लाइन का एरिया इस पॉइंट की तरफ होगा जो आपने लिया, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ये पॉइंट आपने पुट किया ना, फिर सेटिस्फाई नहीं करा तो इसका एरिया इस पॉइंट से दूर कर दे, दूर मतलब इस साइड कर दे। ओके, इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है किसको, इनइक्वालिटीज को। तो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2D प्लेन एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है y ग्रेटर देन 2, यहां पे इक्वल नहीं है, y ग्रेटर देन 2 है, तो सबसे पहले आपको इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखना होगा। कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज, इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये जो लेस या ग्रेटर का आपको सिंबल मिलता है उसको हटा के इक्वल करना है, y इक्वल टू। ओके, अब ये जो आपको इक्वेशन मिला ये तो खुद एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस ऐसे है तो वो लाइन भी ऐसे ही जाएगी, या तो इधर या इधर, किधर जाएगी वो डिपेंड करता है इस पे, ये कांस्टेंट क्या है, प्लस टू है, तो y में प्लस टू यहाँ पे है, तो इस पॉइंट टू को क्रॉस करती हुई ऐसे निकलेगी। तो इसको मैं ग्राफ स्केल से रिप्रेजेंट करता हूं, इस तरीके से ये लाइन पास होगी। ओके, अच्छा अब इसको डॉटेड करें या डार्क करें, मैंने डार्क कर दिया, इसको समझना है पहले, डॉटेड करें या डार्क करें वो डिपेंड करता है कि आपको जो इनइक्वालिटी दे रखी है वो किस फॉर्म में है, लेस में, इक्वल में है या ग्रेटर इक्वल है। यहां पे इक्वल नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये ग्रेटर है या ग्रेटर इक्वल भी है, यहां पे इक्वल नहीं है, ओनली ग्रेटर है ना, तो अगर इक्वल नहीं है तो ये डॉटेड होगी, तो आप इसको डॉटेड करना ना कि डार्क। डार्क कब करोगे, जब यहां पे इक्वल होता। ओके, तो ये डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन का मतलब है कि एरिया जिधर भी आएगा, ऊपर आए या नीचे आए, लेकिन ये पॉइंट्स, ये जो लाइन है इस पे जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन टू है। ओके, अच्छा अब इस लाइन से इधर आएगा एरिया या इधर आएगा, तो वो कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी एक पॉइंट आपको इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करवाना होगा, या तो इस पार्ट का कोई भी एक पॉइंट या इस पार्ट का कोई भी एक पॉइंट। और मैंने आपको बताया कि आपकी एनसीईआरटी में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर रखे हैं, तो वो पुट कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाले या बीच में या इधर से कहीं भी कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इसको तो मैं पुट करके बताऊंगा, एक बार इसको देख लो, यहां पे जैसे कि इस लाइन से ऊपर का एरिया ये है ना, इसमें एक पॉइंट ये भी इंक्लूड है, और इस एरिया में जो ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0.3। अगर मैं 0.3 इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, x0, x तो यहां पे है ही नहीं, y क्या है, 3, तो 3 पुट करके देखते हैं तो 3 ग्रेटर देन 2 आ रहा है, जो कि ट्रू है। अगर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होती दिख रही है तो वो जो एरिया आएगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो इधर ही एरिया आएगा है ना, तो इस लाइन से ऊपर की तरफ रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए। और अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.0 पुट करता हूं तो भी यही आना चाहिए ना, 0.0 मतलब x भी 0 y भी 0, तो वो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं लिख के। तो इसमें पुट करते हैं, पुटिंग 0.0, आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन द गिवन इनइक्वालिटी, पुट करने पे क्या मिलेगा, यहां पे x तो है ही नहीं इस इनइक्वालिटी में, तो x नहीं है तो x वाले कोऑर्डिनेट को नेगलेक्ट करो, y कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 यहां पे पुट करते हैं,
जीरो ग्रेटर देन टू, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? विच इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो ओपन एरिया मिलेगा, ओपन हाफ प्लेन मिलेगा, ओपन हाफ प्लेन और क्लोज्ड हाफ प्लेन पे चर्चा कर चुके, फिर भी बता देता हूं, ये जो इनइक्वेशन है यहां से आपको डॉटेड लाइन मिली है ना, तो इससे ये दोनों ओपन हाफ प्लेन मिलेंगे आपको, और अगर यहां पे इक्वल होता तो एक क्लोज्ड हाफ प्लेन होता। ओके, तो यहां पे अब आपको क्या लिखना होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आई, दस द ओपन हाफ प्लेन ये जो ओपन हाफ प्लेन है इन दोनों में से, इन दोनों में आपने ये पॉइंट लिया जीरो जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं हो रहा, जीरो जीरो सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि जीरो जीरो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे, दस द ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। मतलब ये हुआ इसका कि जो ये दो ओपन हाफ प्लेन मिले, इनमें से आपने ओरिजिन पुट किया जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ओरिजिन इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, इसमें नहीं आ रहा, तो एरिया किधर हुआ, फिर ऊपर की तरफ हुआ। तो आपको या तो लाइनिंग करनी है ऐसे, या फिर एरो कर दो तो भी गलत नहीं है, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि आपने 0.00 पुट करवाया इन इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर सेटिस्फाई करता तो नीचे की तरफ आते ये एरो, ठीक है। फिर आपको बताना है, देखो अगर लाइन सीधी मिलती है, ऐसे मिल रही है, तो एग्जैक्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एरिया होगा, तो उसको आप लिख सकते हो। ऐसे मिलती है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड आप एग्जैक्ट लिख सकते हो, और अगर लाइन तिरछी मिलती है तो उसमें ये चीज नहीं लिखना जो मैं अब लिख रहा हूं। आपको या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन मिले ना सॉल्यूशन के लिए, तो ये लाइन लिखनी है जो मैं यहां पे अब लिखने जा रहा हूं। अब क्या लिखोगे, हेंस इसमें लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है कि जो एरिया है वो किधर आया, ऊपर की तरफ आया है ना, इस लाइन से ऊपर की तरफ आया सॉल्यूशन सेट, तो आपको क्या लिखना होगा, हेंस एवरी पॉइंट अबोव द लाइन, लाइन से ऊपर है ना, इज द सॉल्यूशन किसका, जो आपको इन इक्वेशन दिख रहा है, इन इक्वालिटी दिख रहा है उसका। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने, चलो मैं करवा ही रहा हूं है ना। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ग्रेटर इक्वल दोनों ही मिल रहे हैं, तो सबसे पहले इसके कोरस्पोंडिंग आपको लीनियर इक्वेशन लिखना होगा, कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन इज क्या है, 2x प्लस 6 इक्वल 0, इस साइन को आपको इक्वल में कन्वर्ट करना है। अब यहां से x फाइंड कर लो, क्या आएगा, माइनस 3 आया है ना, x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, इसका मतलब ये जो इससे जो लाइन पास होगी इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये y के पैरेलल आएगा, x इक्वल माइनस 3, मतलब y के पैरेलल एक लाइन आएगी जो कि माइनस x इक्वल माइनस 3 यानी इस पॉइंट से पास होगी, ऐसे आएगी वर्टिकल, ठीक है। तो इसको मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ में, इस तरीके से आपको एक लाइन मिलेगी, ओके, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, वही ओरिजिन पुट करने हैं, पुटिंग 0,0 इन द गिवन इनइक्वालिटी, अब आप 0,0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे y तो है ही नहीं, तो y को नेगलेक्ट करो, x बचा, x यहां पे पुट करो, किसको, इक्वल को छोड़कर, इसमें है ना, करते पुट 2×0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये पूरा 0, 6 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू,
अगर ये ट्रू है तो आपको जो क्लोज्ड हाफ प्लेन मिलेगा, क्लोज्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे इक्वल है, ठीक है, तो क्लोज्ड हाफ प्लेन मिलेगा, उसमें ओरिजिन होगा क्योंकि ओरिजिन इस एरिया में है और ये जो पॉइंट था ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पॉइंट की तरफ एरिया आएगा इस लाइन का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। ये ध्यान रखना, ओपन कब लिखना है, क्लोज कब लिखना है, इक्वल पे फोकस करना अपना, वहां से पता लगेगा। ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट, यानी जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें ही कहीं ओरिजिन भी होगा, शामिल होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की डायरेक्शन इधर है ना, यानी इस लाइन से राइट साइड आपको इसका एरिया मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों वेरिएबल मिल गए एक्स और वाई, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी होगी, उससे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग इसका लीनियर इक्वेशन लिखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज, कैसे लिखते हैं, आपको इक्वल करना है लेस या ग्रेटर की जगह, यानी 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब यहां से आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो अगर मैं यहां से लिखूं y फाइंड करूं तो क्या आएगा, 2x माइनस 1। अब टेबल क्रिएट कर लो, दो वैल्यू काफी हैं, दो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट, चलो 0 ले लेता हूं, 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, ये 0 माइनस 1। अगर मैं 1 पुट करता हूं x की वैल्यू प्लस 1 तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। ओके, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया, 2 माइनस 1 1, 0 पुट की तो क्या आया, माइनस 1। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये इस ग्राफ में प्लॉट करने हैं, x 0 तो y पे भी कहां, माइनस 1 पे, y पे माइनस 1 ये पॉइंट है। ओके, x1 y1 ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इधर बढ़ाएंगे इधर बढ़ाएंगे, आपको एक लाइन मिलेगी जो कि 2x माइनस y इक्वल 1 को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको वही प्रोसेस 0 0 पुट करके देखने होंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग 0 0 यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पुट करने हैं, किस में, जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है। तो क्या मिलेगा, x 0 y 0 पुट करो, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, क्या आया, 0 ग्रेटर देन 1, क्या ये सही है, नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो पहले तो ये देखो कि ये ओपन हाफ प्लेन में है या क्लोज्ड में है, यहां पे इक्वल नहीं है तो ओपन हाफ प्लेन में होगी, तो क्या ओरिजिन इस ओपन हाफ प्लेन में होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, 10 द ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा वो ही सॉल्यूशन है, ठीक है, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। भाई ओपन हाफ प्लेन दो है, एक इधर वाला एक इधर वाला, लेकिन हमको कौन सा लेना है, जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा, ओरिजिन नहीं शामिल हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इनइक्वालिटी को, इसका मतलब वो बाहर हो गया, ठीक है, तो ये पॉइंट बाहर हो गया तो एरिया किधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो क्या लिखेंगे, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो इस हिस्से में तो ओरिजिन आ रहा है ना, यानी इधर वाला पार्ट नहीं है, तो इधर वाला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन सेट होगा, इज द सॉल्यूशन सेट
ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी। ओके, आपको एरिया पता लग गया, किधर आएगा, इधर आएगा, तो आपको ऐसे एरो ड्रॉ करने इस डायरेक्शन में। अच्छा बस हो गया, यही करना था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको अब की बार x प्लस वाई लेस देन 5 दे रखा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है और यहां से अब टेबल क्रिएट कर रहा हूं। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x क्या मिलेगा, 5। अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करूं तो x क्या मिलेगा, 0। ये दोनों पॉइंट आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं, x5 y0, ये पॉइंट है x5 y0। दूसरा पॉइंट x0 y5, वो यहां पे मिलेगा। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो मैं इनको ज्वाइन करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। उसके बाद आपको 0 0 पुट करने और जिन पुट करने किसमें, ये जो इनइक्वालिटी रखी है इसमें, पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन द गिवन इनइक्वालिटी। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 0, लेस देन 5, ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आपको जो ओपन हाफ प्लेन मिलेगा वो उसमें ओरिजिन शामिल होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 पुट किया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू स्टेटमेंट आ रही है ना। ओपन क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है। ओके, दस ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन आ रहा है वही सॉल्यूशन सेट है जो आपको इनइक्वालिटी रखी उसका। कंटेनिंग द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो ओरिजिन तो इधर है, इधर आपको प्लॉट करना होगा इस साइड। अगर आप एरो लगा रहे हो ना तो यहां तक छोड़ सकते हो, और अगर एरो नहीं लगा रहे तो लाइनिंग कर रहे हो तो इधर यहां तक लेके आना होगा, मतलब इधर इस ये जो पार्ट है ये भी शामिल है। ओके, एरो लगा रहे हो तो उसको आप आगे मत बढ़ाओ, एरो का मतलब ये कि आगे की तरफ जा रहा है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 2x - 3y < 5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में इस तरीके से लिखा है ताकि मेरे को टेबल बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 5/2, जो कि डेसिमल में आएगा, ठीक ठाक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 3 1 3 + 5 8 8 / 2 4। अब यहाँ पे 1 मैंने लिया ना स्टार्टिंग वैल्यू, तो डेनोमिनेटर में क्या है, 2, तो या तो 2 इससे आगे लो या इससे पीछे लो। अगर मैं इससे पीछे लूँ यानी 2 माइनस करूँ तो क्या आएगा, -1। अब y की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मिलेगा यहाँ पे -3 + 5 + 2, 2 / 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1। ओके, अब इनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, x करना है x4 y1, x4 यहां पे होगा कहीं, x4 और y1 ये पॉइंट हो गया। ओके, x1 y - 1 x1 y - 1 ये पॉइंट होगा, ये है 1, -1 और ये है 4, 1। इनको अब स्केल से ज्वाइन करनी है और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। इनको आगे पीछे भी बढ़ा लेना है, आगे स्पेस नहीं है तो आप बढ़ा लेना, और इधर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ, इधर आएगा या इधर आएगा, एरिया वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ओके, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो पुट करते हैं, पुटिंग 0, 0
इन द गिवन इनइक्वालिटी, इन द गिवन इनइक्वालिटी। अब वो जो इनइक्वालिटी उसमें जीरो जीरो पुट करते थे, ये जीरो ये भी जीरो, इधर आया जीरो लेस देन फाइव, क्या ट्रू स्टेटमेंट है? बिल्कुल ट्रू है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो जो आपको हाफ प्लेन मिलेगा कौन सा, क्लोज या ओपन? ओपन। ओपन हाफ प्लेन जो मिलेगा उसमें ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट थे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? दस द ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट, किसका, जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी उसका, ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। अब इसका एरिया रिप्रेजेंट करना आपको, तो ओरिजिन की तरफ आएगा ना एरिया, ओरिजिन इधर है तो इस तरफ आएगा ऐसे, इस तरीके से आपको ग्राफ में इनको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 2x plus y less equal 6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन लिखना होगा, तो वो मैंने लिखा है, और यहां से y की वैल्यू x की फॉर्म में मैंने फाइंड की है। अब इसको इसकी जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y क्या मिलेगा? 6 माइनस 2 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं तो क्या मिलेगा? 2 2 4 6 माइनस 4 2। अब ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ तो बना ही नहीं, अभी बनाता हूं। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1,4 x1 y4 x1 y4, यहां पे होगा। और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2,2 x2 y2, यहां पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करो और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और स्ट्रेट लाइन मिल गई है मेरे को। उसके बाद इसका एरिया रिप्रेजेंट करना होगा, किधर होगा, इस लाइन से इधर होगा या इधर होगा। तो उसके लिए आप जीरो जीरो पुट करोगे, पुटिंग 0,0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। तो यहां पे पुट करेंगे 0 प्लस 0 0 और लेस देन 6, इक्वल नहीं लेना, ध्यान रखने इस बात का। बेशक यहां पे इक्वल है लेकिन आपको 0 0 पुट करने के लिए लेस और ग्रेटर, बस ये दो साइन लेने होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो 6 है वो 0 से बड़ा होता है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा फिर, जो आपको हाफ प्लेन मिलेगा कौन सा, क्लोज्ड या ओपन? यहां पे इक्वल है ना तो क्लोज्ड मिलेगा। दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये जो क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा उसमें ओरिजिन जो आपने पुट किया वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस एरिया में, इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ आएगा। तो क्या लिखेंगे? दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट, किसका, जो आपको इनइक्वालिटी दिखी उसका, ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। अब आपको वो जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करना है। ओके, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही रहा हूं, क्या आपने वो नोट की, मैं ये जो लाइन है वो बोल रहा हूं, डॉटेड किस में करना है और डार्क किस में करना है। स्टार्टिंग में तो मैंने बता दिया था, अब शायद मैं भूल गया, अभी देखते हैं पिछले पार्ट। यहां पर इक्वल है तो ये डार्क आएगी। ओके, और इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो पहले तो इसको इस साइड कर दो, ठीक है। पिछला जो फिफ्थ पार्ट देखते हैं उसमें आपको क्या रखा है, इक्वल है क्या, ये चेक कर लो, इक्वल नहीं है। यहां पे इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ये जो लाइन आएगी ये कैसी आएगी, डॉटेड आएगी। तो ये मेरे से मिस्टेक होगी, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया था अगर इक्वल आए तो डार्क करनी है वरना डॉटेड करनी है। तो ये डॉटेड कर लेना, जिसमें भी इक्वल हो वो डार्क, इक्वल नहीं है तो डॉटेड। ओके,
ओपन वाले में डॉटेड और क्लोज्ड वाले में डार्क करनी है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 2s लेस इक्वल 6 माइनस 3y, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखा ताकि मैं y की वैल्यू पुट करूं तो x की वैल्यू फटाफट मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस, ये तो पूरा हो गया 0, यानी 6 बाई 2 3। अब डेनोमिनेटर में 2 है ना, तो जो आपने पहले वैल्यू ली y की उससे इतना ही या तो आगे चलो या पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं 0 से 2 आगे चलो यानी 2। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 2 0, दो पॉइंट मिल गए। इनको यहां पे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, x3 y0 ये पॉइंट है और दूसरा x0 y3, x0 y पे भी कहां 3 नहीं सॉरी 2 यहां पे। अब इनको स्केल से ज्वाइन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जरूर नहीं आप ये दो ही पॉइंट लो, 3 पॉइंट भी ले सकते हो खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए, उससे फायदा ही होगा, ये होगा कि अगर आप दो पॉइंट ले रहे हो तो उससे तो कन्फर्म है स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर जो आप तीसरा पॉइंट ले रहे हो वो भी इस लाइन पर है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने टेबल में कहीं त्रुटि नहीं की, कहीं मिस्टेक नहीं की। ओके, वैसे दो पॉइंट भी गलत नहीं है। अब इसका एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए इधर आएगा या इधर आएगा, हाँ डार्क आएगा ना क्योंकि इक्वल है। ओके, तो मैंने सही किया है, डार्क की मेरे को आदत हो रही है तो ध्यान रखना आप, अगर इक्वल हो तो डार्क, इक्वल नहीं हो तो डॉटेड। ओके, अब यहां पे क्या करना होगा, 00 पुटिंग 0,0 किस में, जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें। ओके, इन द गिवन इनइक्वालिटी करते पुट, यहां पे क्या आएगा, एक्स जीरो इक्वल को छोड़ दो आप ना, 6 माइनस 0। ओके, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो यहां पे क्या मिलेगा, 0 लेस देन 6 विच इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू है, 0 0 इसमें पुट किया सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एरिया जिधर भी आएगा उधर ये शामिल होगा, 0 0 इंक्लूड होगा, ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो इसका एरिया किधर आएगा, इस साइड आएगा क्योंकि ओरिजिन इधर है ना कि उधर, तो ऐसे आपको एरो लगाने हैं। ओके, अब वो लाइंस लिखनी है, पहले एक बार देख लो कि जो हाफ ए प्लेन मिलेगा वो ओपन मिलेगा या क्लोज मिलेगा। यहां पे इक्वल है, अब दिख रहा होगा आपको, यहां पे इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब क्लोज्ड आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, दस द क्लोज्ड हाफ ए प्लेन कंटेन कर रहा है ना, कंटेनिंग है ना, ये 0 0 शामिल है इसमें, कंटेनिंग द ओरिजिन, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन शामिल है वही सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का। तो क्या लिखेंगे, कंटेनिंग द ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट, किसका, जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है उसका, ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ओके, 8th जो इनइक्वालिटी है वो आपको दे रखी है 3y-5x less than 30, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा और इस लीनियर इक्वेशन की y की वैल्यू x की फॉर्म में मैंने इस तरीके से फाइंड की। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y किसके इक्वल आएगा, ये तो 0 हो गया, 30 upon 3 10। अब ये वैल्यू मेरे को 0 मिली थी ना पहली वैल्यू, उससे आगे x की वैल्यू 1 मिल चुकी है ना, उससे आगे इतना या इतना ही पीछे चलना है, मैं आगे चलता हूं 3। ओके, यानी x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, 5 3 15 कितना आया, 45 upon 3 15। ओके, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये ग्राफ में प्लॉट करते हैं, x 0 तो y पे कहां, प्लस 10 पे, y में प्लस 10 यहां पे है, x3 y15 यहां पे होगा। अब इनको स्केल से ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये स्केल से मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। अब इसका जो एरिया आएगा वो किधर आएगा, हाँ एक चीज और, डॉटेड करना है या डार्क करना है, हर बार वही आदत है मेरी डार्क करने की,
लेकिन आपको ये आदत नहीं डालनी है, ये गंदी आदत है। यहाँ पे लेस देन 30 है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, इसका मतलब ये डॉटेड आएगी। ओके, तो डॉटेड करना है इसको, डॉटेड मतलब ओपन हाफ प्लेन आएगा इससे, है ना। ये दोनों ओपन हाफ प्लेन आ गए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। इतना करने के बाद अब आपको जीरो जीरो पुट करके देखना है ना, पुटिंग जीरो कोमा जीरो इन द गिवन इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी। जीरो जीरो पुट करते हैं यहां पे, जीरो माइनस जीरो जीरो और लेस देन 30, ये स्टेटमेंट ट्रू है, विच इज ट्रू। यानी आपने 00 ओरिजिन पुट किया और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एरिया किधर आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। तो पहले आप इसको ऐसे सेडेड कर लो, ठीक है। अब ये आपको लिख के बताना होगा, इससे कौन सा एरिया आया था? हाफ ओपन हाफ प्लेन आया था ना, तो क्या लिखेंगे? 10 द ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन इस वाले या इस वाले, कौन सा लेना है? एरिया मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब तो पता लग गया होगा, नीचे वाला लेना है। और नीचे वाले में ये जो ओरिजिन है ये इंक्लूड है, तो क्या लिखेंगे? द ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है? ओरिजिन को। ओके, अगर ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है तो यही क्या है? इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके, क्योंकि हमने पॉइंट पुट किया, क्या था? ओरिजिन ने तो किया था, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो यही ये जो एरिया है ये सॉल्यूशन सेट होगा। ओरिजिन इज द सॉल्यूशन सेट, किसका? जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, गिवन इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको इन इक्वेशन रखा है x माइनस टू वाई लेस इक्वल माइनस वन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा, और इस इक्वेशन से मेरे को टेबल क्रिएट करनी होगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? x माइनस वन। और अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 2 1 2 2 माइनस 1 प्लस 1। एक तो आया 1, 1 और एक आया -1, 0। इनको ज्वाइन करते हैं, इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उस लाइन से आपको एरिया डिफाइन करना होगा। एक चीज और, डार्क करना है या ओपन करना है देख लो एक बार, डॉटेड करना है कि डार्क करना है? यहाँ पे इक्वल है तो आपको डार्क करना होगा, इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक है। अब इसका एरिया, इस लाइन से एरिया इधर आएगा या इधर आएगा, तो उसके लिए आप 0, 0 पुट कर लो, पुटिंग 0, 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। 0 माइनस 0, 0 लेस देन माइनस वन, क्या ये सही है? ये तो झूठा है, क्योंकि 0 तो माइनस वन से छोटा होता ही नहीं है, और ये झूठा बता रहा है, तो ये इसका मतलब झूठा है, मतलब इसको लिखेंगे विच इज नो ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका एरिया किधर आएगा? ओरिजिन से दूर भगेगा, यानी इस तरफ इसका एरिया होगा। ओके, क्योंकि आपने ओरिजिन पुट किया, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उससे दूर भगेगा। अब इसको लिखना कैसे है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले एरिया की बात कर, वो प्लेन की बात करते हैं, कौन सा है? क्लोज्ड है, इक्वल है, तो है ना, तो क्या लिखेंगे? दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन, इसमें ओरिजिन नहीं आ रहा ना, नॉट कंटेनिंग। जो एरिया आपको मिला उसमें ओरिजिन नहीं आ रहा, कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। वो प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा वो क्या है? सॉल्यूशन सेट है इस इनइक्वालिटी का, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ
गिवन इनइक्वालिटी। इस एक्सरसाइज का लास्ट 10th क्वेश्चन, इसमें आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 0 लेस इक्वल टू x माइनस 5y प्लस 10। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा और उस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड की। अब इसको मैं टेबल बनाऊंगा। इससे अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 0, 0 बाई 2 0। अगर मैं यहाँ पे 2 से आगे, कितना आगे, इतना ही आगे, जो मैंने पहले वैल्यू ली ना y की, जो वैल्यू ली उससे इतना आगे चलो या पीछे चलो तो पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे फायदा ही होता है। तो अगर मैं 4 लूँ तो क्या मिलेगा, 5 4 जार 20, 20 माइनस 10 10, 10 बाई 2 5। ये मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ में। पहला पॉइंट है x0 y2, x0 y2 यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x5 y4, x5 y4 यहाँ पे आएगा, ओके। अब आपको स्केल से इनको ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी और उस जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलने जा रही है, हाँ पहले देख लो शेडेड करना है या मतलब डार्क करना है या फिर लाइट करना है, डॉटेड करना है, यहाँ पे इक्वल है इसका मतलब डार्क करना है। इस तरीके से आपको वो लाइन मिलेगी, लाइन तो मिल गई है। अब इस लाइन से एरिया इधर आएगा, इधर आएगा, कौन से प्लेन में आएगा, ओपन वाले में, सॉरी क्लोज्ड है ना, कौन से क्लोज्ड हाफ प्लेन में आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप कोई भी एक पॉइंट जो पुट कर रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। वो पॉइंट हम अक्सर क्या लेते हैं, जीरो जीरो लेते हैं, कोई जरूरी नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरो जीरो पुट कर रहा हूँ, पुटिंग जीरो कोमा जीरो इन द गिवन इनइक्वालिटी, जीरो जीरो पुट करो इसमें, जीरो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो जीरो पुट करेंगे तो प्लस टेन, क्या सही है, सही है, दस बड़ा होता है ना जीरो से, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका एरिया किधर आएगा, उधर आएगा जिधर ओरिजिन शामिल है। पहले लिख लो या सेंडेड कर लो, मेरे को पता तो लग ही गया ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ एरिया आएगा, तो इसको मैं सेंडेड कर लेता हूं पहले। अब इसका वो एरिया लिखना है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है 10 तो क्या लिखेंगे, वो प्लेन कैसा है, क्लोज्ड है ना, द क्लोज्ड हाफ प्लेन, और उस प्लेन में ओरिजिन कंटेन होगा, ठीक है, प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, वो प्लेन जिसमें ओरिजिन कंटेन है, ओरिजिन शामिल है उसमें, मतलब वो जो प्लेन है जिसमें ओरिजिन शामिल है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, किसका, हमारा नहीं, इस इनइक्वालिटी का, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सारे सोल्व करने थे, जो कि मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।